तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखो, फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वो सब आपको ऑलरेडी पता है। सीधे काम की बात पे आते हैं। तो यार, काम की बात कुछ ऐसी है, सबसे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दो कि भाई, आप कभी लॉस में गए हो क्या? मतलब ऑफकोर्स गए हो तभी आप ये वाला वीडियो देख रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा सीक्रेट है, एक राज है, एक तरीका है, जिसको अगर मैंने आपको बता दिया और अगर आपने उसे अप्लाई कर दिया, तो आप जिंदगी भर में कभी लॉस में नहीं जाओगे। और जिंदगी भर से मेरा मतलब है जिंदगी भर, ऐसा नहीं है कि इस महीने या उस महीने, इस आईपीएल या उस आईपीएल, जिंदगी भर में कभी लॉस में नहीं जाओगे। और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में ही गारंटी दे रहा हूँ, वीडियो के एंड तक इस बात को प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। तो यार, सुनने में आपको कैसा लग रहा है? देखो, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि यार जिंदगी भर में कभी लॉस में नहीं जाएंगे, और तो क्या ही चाहिए। लेकिन फिर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई यार, ऐसा पॉसिबल तो है क्या? मतलब ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो हमें नहीं पता, हम इतने टाइम से खेल रहे हैं और ये हमें जिंदगी भर में कभी लॉस में नहीं जाने देगा। तो चलो यार, मैंने आपसे बोला कि इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट एक्सप्लेन तो करूंगा ही करूंगा, प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। और अगर मैंने आपको वो प्रूफ करके दिखाया, तो यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना, क्योंकि यार मेरा सीक्रेट है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो डेफिनेटली एक लाइक तो कर ही देना। तो चलो यार, देखो शुरू करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? देखो, मान लो आपने ना मंडे को कोई कॉन्टेस्ट लगाया। देखो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इस वीडियो का आपको एक सेकंड भी मिस नहीं करना है, ठीक है? अगर आपने वीडियो का कोई पार्ट मिस कर दिया, कोई स्टेप मिस कर दी, और फिर आप लॉस में जाना कंटिन्यू रहे, तो उसकी जिम्मेदारी फिर मेरी नहीं होगी, ठीक है? यार, आपको जिंदगी में कभी लॉस में नहीं जाने दूंगा, ऐसा एक सीक्रेट मैं आपको 10-15 मिनट में बता रहा हूं। तो कैसे भी करके आपको 10-15 मिनट निकालनी है, इस वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से समझना है, और फिर आपको जो है ये सीक्रेट अप्लाई करना है। तो देखो यार, मैंने माना कि आपने मंडे को कोई एक कॉन्टेस्ट लगाया और उसमें हार गए। अब हार गए तो आपको क्या हुआ? आपका लॉस हुआ। अब देखो, आपने सोचा ट्यूसडे को, अगले दिन आपने बोला कि यार मेरे को कल लॉस हुआ था, मैं काम करता हूँ उसको कवर कर लेता हूँ। तो ट्यूसडे को भी आपने एक कॉन्टेस्ट लगाया, और मान लो कि गलती से आप वो वाला कॉन्टेस्ट भी हार गए। अब क्या होता है कि दो दिन जब कोई आदमी रेगुलर हार जाता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं नीचे होने लग जाता है। तो तीसरे दिन ऐसा नहीं है कि आप कॉन्टेस्ट नहीं लगाओगे, ऑफकोर्स आपका दो दिन लॉस हुआ, आप उसे कवर करना चाहोगे, तो आप तीसरे दिन भी लगाओगे। लेकिन आप क्या करोगे कि तीसरे दिन आप सोचोगे यार, मैं ऑलरेडी दो दिन लॉस में चला गया हूं, तो या तो आप थोड़ा डाउन हो जाओगे कि मतलब जितने का ऑलरेडी लगा रहे हो उससे कम पैसे का लगाना शुरू कर दोगे, मतलब एट द एंड आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन मान लो कि गलती से भी आप नेक्स्ट डे भी हार गए ना, तो तीन दिन रेगुलर लॉस के बाद आप बोलोगे भाई छोड़ो यार इस गेम को, मैं तो नहीं खेल रहा, और आप गिव अप करके निकल लोगे। ऐसा ही करोगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं। अब बात यह है यार कि अगर आप गिव अप करके निकल लिए, तो ओवरऑल तो आपका लॉस ही हुआ, क्योंकि तीन दिन से आप ऑलरेडी लॉस खा रहे हो। और दूसरी बात यह है कि यार, अगर आप तीन दिन से रेगुलर हार रहे हो ना, तो देखो ऑफेंड मत होना, सही बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं कि आपकी टीम ही घटिया है। ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत घटिया है या फिर और कुछ बहाना आप मार लो, आपकी टीम ही घटिया है। अब बात करते हैं यार, देखो मेरे सीक्रेट के बारे में। तो मेरे सीक्रेट का नाम है 3 मेंबर। अब बोलोगे कि भाई ये 3 मेंबर क्या है? तो 3 मेंबर कॉन्टेस्ट है, ठीक है? आप में से कई लोग सोच रहे होंगे भाई ये 3 मेंबर कॉन्टेस्ट हमें कैसे बचाएगा? तो सुनो यार, एक बार ध्यान से सुनना। देखो, कॉन्टेस्ट कौन कौन से होते हैं? कॉन्टेस्ट होता है एक तो हेड टू हेड, फिर अपना आता है 3 मेंबर, फिर आता है 4 मेंबर, ठीक है? ऐसे थोड़े ज़्यादा भी होते हैं, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 10 मेंबर, 20 मेंबर, ठीक है? फिर आती हैं जो मिनी ग्रैंड लीग कह सकते हैं, और उसके बाद आ जाती हैं ग्रैंड लीग। ऐसे ऐसे कुछ कॉन्टेस्ट होते हैं। अब देखो यार, मिनी ग्रैंड लीग, ग्रैंड लीग और 20 मेंबर, 10 मेंबर, इन सबको तो एक बार छोड़ दो, क्योंकि अपना जो फोकस रहेगा वो रहेगा स्मॉल लीग के ऊपर। स्मॉल लीग से मेरा मतलब है हेड टू हेड 3 मेंबर और 4 मेंबर। अब इनमें से हेड टू हेड तो मतलब 2 मेंबर होते हैं, एक को पछाड़ो आप आगे, और 4 मेंबर में 4 मेंबर होते हैं, 3 आपके अपोनेंट होते हैं, तीनों को पछाड़ो आप जीत जाओगे। तो अब ये सुनोगी यार कि आपको 3 मेंबर कॉन्टेस्ट लॉस में जाने से कैसे बचाएगा, और आपको लाखों प्रॉफिट में भी कैसे लेके आएगा। सुनो, एक बार ध्यान से सुनो। अभी आपको स्क्रीन पर ना मैं ये 3 मेंबर कॉन्टेस्ट की प्राइस और प्राइस दोनों दिखा रहा हूँ, ठीक है? एक तो प्राइस है, एक प्राइज है। 3 मेंबर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने की इतनी आपकी फीस लगती है, और अगर आप जीत जाते हो तो इतने रुपए आपको मिलते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो 17 रुपए का आप कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो, तो उसमें अगर आप जीत जाते हो तो 44 रुपए मिलते हैं, ठीक है? ऐसे ही उससे बड़ा 27 का आता है, 70 रुपए प्राइज होती है। उससे बड़ा 35 का आता है, 90 रुपए प्राइज होती है। 77 का आता है, 200 आती है, ठीक है? 125 का आता है, 325 आते हैं, 230 का होता है, 600 आते हैं।
ऐसे करते 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 जो सबसे बड़ा होता है वो होता है 3800 के समथिंग का, और उसकी जो प्राइस होती है वो होती है 10,000 rupees। अब देखो यार, अब आप सोच रहे हो भाई आपने 3 member कॉन्टेस्ट ही क्यों चुना अपना ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए। देखो मैं चाहता तो 4 member या फिर 2 member यानी कि हेड टू हेड भी चूज कर सकता था, लेकिन वो मैं नहीं करूंगा। उसका रीजन मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो जो हेड टू हेड वाले कॉन्टेस्ट होते हैं ना, उनका क्या सीन रहता है, जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक हेड टू हेड कॉन्टेस्ट की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो वो एक कॉन्टेस्ट होता है अराउंड 5,700 rupees का, ठीक है। ये आपकी एंट्री है और उसमें अगर आप जीत जाते हो तो आपको मिलते हैं अराउंड 10,000 rupees, ठीक है। अब देखो यार, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है, आपको इजी तो है, सिर्फ एक बंदे को ही पछाड़ना है, लेकिन दिक्कत ये है कि यार अगर आप जीत भी जाते हो ना तो जितना आपने इन्वेस्ट किया है ना उतना भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा। कैसे हो रहा है, 5,700 तो आपने इन्वेस्ट किया और अगर जीत जाते हो तो प्रॉफिट कितने का हुआ, अराउंड 4,300 का, ठीक है। मतलब 5,000 प्लस आपने इन्वेस्ट किया और 4,000 और समथिंग आप प्रॉफिट ले रहे हो, तो कोई मतलब नहीं रहता उसका, मतलब उतना ज्यादा प्रॉफिट होता नहीं है हेड टू हेड में, तो उसकी तो बात ही छोड़ो। बात करते हैं 4 member की। अब आप बोलोगे भाई अगर प्रॉफिट को ही देख रहे हो तो 4 member देखो ना यार, अनशन प्रॉफिट है। एक 4 member कॉन्टेस्ट की भी अगर मैं आपको बताता हूं, तो एक 3,000 rupees के समथिंग का एक कॉन्टेस्ट होता है, 4 member होता है, और इसमें अगर आप जीत जाते हो तो आपको 10,000 मिलते हैं। तो यार देखो प्रॉफिट तो अनशेंट है, अराउंड 3 गुना जो है इसमें प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन आप जो नहीं देख रहे हो वो ये है कि यार आपको हराना भी 3 लोगों को पड़ेगा। अगर 3 में से कोई एक की भी टीम आपसे थोड़ी सी भी बेटर निकल गई, 0.5 point से भी वो जीत गया, तो डायरेक्ट आपको जो है बाकी के 2 लोगों को हराया हुआ कोई भी फायदा नहीं देने वाला। तो इसीलिए मैं मीडियम वाले रास्ते पे चलता हूँ, यानी कि 3 member कॉन्टेस्ट, इसमें एकदम ईजी है, ठीक है। आपको सिर्फ 2 लोगों को हराना है और आराम से आप डबल से भी ज़्यादा प्राइस लेके जा रहे हो, यानी कि देखो 3,800 वाला कॉन्टेस्ट ही देख लो, इसमें अगर आप जीत गए तो डायरेक्ट 10,000, ठीक है। जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है, 3,800 आपने इन्वेस्ट किया और अगर जीत गए तो आपको 6,000 प्लस का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब ये ज़्यादा सही है ना यार, 3 member ज़्यादा 2 लोगों को डिफीट करना है और आप अच्छे से प्रॉफिट भी लेके जा रहे हो। और मैं आपको अपना बता रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये पर्सनल अगर मैं बताऊँ ना तो मैं 90% कॉन्टेस्ट जो है 3 member ही ज्वाइन करता हूँ हमेशा, ठीक है। और ग्रैंड लीग वगैरह को हटा दो, उनका तो खैर अलग सीन होता है, स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ, ग्रैंड लीग में तो 11 team लगा के अलग से होता है। स्मॉल लीग में जो 90% कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करता हूँ वो 3 member ही होते हैं। 4 member कॉन्टेस्ट में तब ज्वाइन करता हूँ जब जो मैच होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, मतलब कोई कई बार ऐसे मैच होते हैं ना जिनमें क्रेडिट की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही आती है, आपको किसी न किसी मेन बैट्समैन या बॉलर को ड्रॉप करना ही पड़ता है, उस वाले केस में मैं 4 member में जाना चाहता हूँ, क्योंकि यार मेरे को पता है कि मैं एक मेन बैट्समैन या बॉलर को ड्रॉप कर रहा हूँ, या तो ये चलेगा या फिर नहीं चलेगा, ठीक है। मेरे को पता है कि या तो इस मैच में मैं एक तरफा हारने वाला हूँ या फिर एक तरफा जीतने वाला हूँ, तो फिर मैं सोचता हूँ यार अगर एक तरफा जीतना ही है तो क्यों ना 4 member में जीते, और अगर हारना भी है तो कोई बात नहीं 4 member में हार जाएंगे, उसी सिनेरियो में मैं 4 member में जाता हूँ, अदरवाइज मेरे सारे कॉन्टेस्ट 3 member होते हैं। चलो अब मेरे को एक बात बताओ आप कि आप रेगुलर कितने दिन तक हार सकते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। देखो मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं अपनी बताऊँ, अपने मेंबर्स की बताऊँ, अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स की बताऊँ, तो यहाँ पर 2 दिन भी रेगुलर हारना मुश्किल है। जैसे कि मान लो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको कोई टीम प्रोवाइड की और मान लो कि उस टीम से आपने अच्छी परफॉर्म नहीं की, तो अगले दिन जो मैं टीम प्रोवाइड करवाऊंगा ना उसमें तो आप अच्छी परफॉर्म करोगे ही करोगे, और मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूं यार क्योंकि आपको पता है कि जो भी मैच में कवर करता हूं ना उसके ऊपर ऑलरेडी मेरी स्टडी होती है, कम से कम भी 5 से 6 घंटे में बैठ के उस मैच को स्टडी करता हूं, उसके सारे एनालिसिस, उसके सारे स्टेट, उसके सारे प्लेयर, इवन पिच, ग्राउंड, सबके बारे में अच्छे से स्टडी करता हूं, और फिर वो उसी स्टडी को मैं एक वीडियो में कन्वर्ट करता हूं 15 से 20 मिनट का, वो वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूं और आप वो वीडियो देखते हो, और अगर आपने वो वीडियो देख लिया, इतनी सारी स्टडी आपने एक मैच के ऊपर कर ली, तो चांस ही नहीं है कि आपको रेगुलर लॉस होएगा। तो सबसे पहले तो आप एक काम कर लो, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, ज्वाइनिंग एकदम फ्री है, ठीक है, आप वहां पर जाके ज्वाइन भी हो जाओ, वहां पर आपको फ्री टीम वगैरह प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, इतना कर लो आपको रेगुलर लॉस तो कभी नहीं होगा, इसकी तो ये गारंटी है। लेकिन ये तो बात तब की हो गई जब आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो, है ना।
तब तो मैं आपको कभी भी लॉस में नहीं जाने दूंगा, वो उसकी जिम्मेदारी फिर मेरे ऊपर आ जाती है। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी किस्मत बहुत ख़राब है, ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, ऑफेंड मत होना, आप, मैंने माना है ये बात कि आपकी किस्मत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। देखो कोई भी स्ट्रेटजी होती है ना, कोई भी प्लान होता है ना, वो आपके वर्स्ट के सिनेरियो, सबसे ख़राब सिनेरियो में वर्क करना चाहिए, तभी वो एक तरीके से कह सकता हूँ कि सक्सेसफुल प्लान होता है, ठीक है। और इसीलिए मैंने माना है कि आपकी किस्मत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। नहीं तो मैं ऐसे भी कह सकता था भाई आप तो रेगुलर लॉस में जाओगे नहीं, फिर तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, मज़े ही मज़े हैं, बल्ले बल्ले। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्लान है, मेरी जो सीक्रेट है, मेरी जो स्ट्रेटजी है, वो सबसे खराब सिनेरियो में भी काम करे। इसलिए मैंने माना कि भाई आपकी किस्मत काफी ज्यादा खराब है। और काफी ज्यादा खराब होने से मेरा क्या मतलब है कि मान लो आपने पहले दिन कोई कॉन्टेस्ट लगाया उसमें हारे, फिर दूसरे दिन कॉन्टेस्ट लगाया उसमें भी हारे, और फिर तीसरे दिन कॉन्टेस्ट लगाया और मानो आपके राहु केतु शनि सब एक में बैठे हैं और आप उस कॉन्टेस्ट में भी हार गए, तो अब क्या होगा कि चौथे दिन या तो आप लगाओगे ही नहीं, और अगर मान लो आपने थोड़ी हिम्मत जुटाई और लगा भी दिया कोई कॉन्टेस्ट और गलती से भी आप चौथे दिन भी हार गए ना, तो फिर आप क्या करोगे। देखो सबसे पहली बात तो अगर आप रेगुलर इतना हार रहे हो ना, मतलब आप टीम सही से नहीं बना पा रहे हो, टीम की जिम्मेदारी आप मेरे पे छोड़ दो, उसकी चिंता मत करो, आप सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बस इतना करो, टीम की चिंता आप मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। अब देखो यार वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बताता हूँ, कोई भी मैच हो, चाहे फुटबॉल क्रिकेट हॉकी कोई भी मैच हो, आपके इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत जरूरी होती है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में जो मेन पॉइंट होते हैं वो ये होता है कि सबसे पहले तो कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है, दूसरा होता है कि किस टाइम पर इन्वेस्ट करना है, कौन सा टाइम है वो, ठीक है, तीसरा होता है कि कौन से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं, चौथा होता है कि कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं। अब देखो यार जो ज्वाइनिंग टाइम होता है ना, वो उसके लिए तो एक सेपरेट वीडियो बनेगा, फटाफट से आपको 2 सेकंड के लिए मैं इस वीडियो में बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। देखो ज्वाइनिंग टाइम एक तरीके से बहुत जरूरी होता है, आपके अपोनेंट में कौन आ रहा है वो काफी जरूरी होता है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग टाइम का क्या सीन हो सकता है कि जैसा मैंने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। एक तो जो लेट नाइट का टाइम होता है ना, अब लेट नाइट से ऐसा नहीं कि आप 10-11 बजे लगा रहे हो, उसे लेट नाइट कभी भी नहीं कहते, ठीक है। लेट नाइट से मेरा मतलब है कि अगर आप रात को 2-3 बजे तक, 3-4 बजे तक अगर आप जागते हो तो फिर वो ज्यादा सही है, ठीक है। आप 2-3 बजे के बीच में कोई कॉन्टेस्ट लगाओ, उस टाइम क्या होता है कि आप अपने अपोनेंट को देख सकते हो, ठीक है, इतनी जल्दी वहां पर कॉन्टेस्ट फिल नहीं होते, इसलिए आप कॉन्टेस्ट पे क्लिक करके अपने अपोनेंट को देख सकते हो कि भाई इसका लेवल क्या है या फिर ये कितना जीत रहा है, इसकी विनिंग परसेंट क्या है, ठीक है। उस हिसाब से आप अपने अपोनेंट को थोड़ा देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि इस कॉन्टेस्ट में मेरे को उतरना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर थोड़ा वीक अपोनेंट हो जिसकी विनिंग परसेंट 30% 20% हो तो फिर तुरंत से आप उस कॉन्टेस्ट को ज्वाइन कर लो। अगर थोड़ी ज्यादा हाई परसेंट हो, लाइक 50-55 60 या 70% उसकी विनिंग रेशियो हो, तो फिर थोड़ा रुक जाओ, उस कॉन्टेस्ट को भर जाने, तो वापस कोई और कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना। यह होता है ज्वाइनिंग टाइम का। दूसरा जो ज्वाइनिंग टाइम होता है, मान लो आप रात को लेट तक नहीं जगते हो, तो फिर जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है मैच स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले, ठीक है। उस टाइम भी ज्यादा एक तरीके से कह सकता हूँ कि भीड़ भड़ाका नहीं होता, तो आप आराम से उस टाइम पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। ज्यादा प्रो लेवल के लोग आपके अपोनेंट में नहीं आते, नूब आते हैं, आप आराम से जीत जाओगे, ठीक है। ये दोनों केस मैंने ट्राई किए हुए, मैंने टेस्ट किए हुए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों एक टाइम और है जिस पर आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसको मैंने अभी तक खुद ने ट्राई नहीं किया, और यार जब तक मैं खुद ट्राई नहीं कर लेता तब तक मैं आपको नहीं बता सकता, क्या पता वो टाइम एकदम परफेक्ट नहीं हो और फिर आप है ना थोड़ा लॉस होने लग जाए, तो वो सब नहीं होगा ना। पहले मैं खुद ट्राई कर लूं, उसके बाद आपको बता दूंगा डेफिनेटली। अब बात करते हैं कि यार आपको कौन सा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, तो ऑफ कोर्स 3 मेंबर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं, तो वो आप अपने हिसाब से करना, ठीक है। मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने जब स्टार्ट किया था, अभी की बात नहीं कर रहा, पुरानी बात कर रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 5 कॉन्टेस्ट से चालू किया था, 5 कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करता था, लेकिन वो तो खैर चलो पुरानी बात है, अब तो 70, 80, 100, 200 कॉन्टेस्ट भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी अब नॉर्मल है। दोस्तों आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा ही इन्वेस्ट करना है, किसी और को देख के इन्फ्लुएंस होकर इन्वेस्ट मत करना, आप अपने हिसाब से करना, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि 3 मेंबर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं, कितने करने हैं वो आप अपने हिसाब से देख लेना, कितने प्राइस के करने हैं वो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना यार, जितने भी आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो, चाहे 5 करो, चाहे 10 करो, चाहे 20 करो, लेकिन वो सारे सेम प्राइस के रहने चाहिए। अगर आप 125 वाले कर रहे हो
तो सारे वो ही करना, अगर आप 230 वाले कर रहे हो तो सारे वो ही करना, अगर आप 777 वाले कर रहे हो तो सारे वो ही करना, ठीक है। अब चलो यार, मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। मैंने माना कि आपने पहले दिन जो है 125 वाले कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, ठीक है। अब यार आपने ज्वाइन किया तो इसके दो रिजल्ट आ सकते हैं, या तो आप जीत जाओगे या फिर हार जाओगे। अगर आप जीत गए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको ऑलरेडी लॉस हो चुका है, कितने का, 125 का। अब मेरी बात एक बार आप ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो है असली गेम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अगले दिन, दूसरे दिन एक तो नॉर्मल थिंकिंग होती है और एक मेरी थिंकिंग है जो मैं आपको बताऊंगा। दूसरे दिन जो नॉर्मल लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि सेम कॉन्टेस्ट वापस ज्वाइन करेंगे, 125 वाला अगर पहले दिन किया था तो 125 वाला ही नेक्स्ट दिन करेंगे ज्वाइन। और ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि यार पहले दिन में लॉस में चला गया, अब एक काम करता हूं, थोड़ा डाउन आ जाता हूं, थोड़ा वो कम एंट्री फीस वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे और सोचेंगे कि यार अब जब मेरे थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा तब मैं वापस जो है अपनी एंट्री फी इंक्रीज कर दूंगा। तो ये तो हो जाती है नॉर्मल थिंकिंग, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि नॉर्मल लोग जो है लॉस में भी जाते हैं, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया कि आप ये कभी भी जिंदगी भर में लॉस नहीं जाओगे अगर मेरा ये वाला तरीका फॉलो कर लिया। अब दूसरे दिन आपको बेसिकली करना क्या है, मैंने ये माना है कि आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, मैंने ये माना हुआ है कि आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, आप पहले दिन जो कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया था वो हार गए, ठीक है। तो दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन नहीं तो आपको सेम कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, नहीं आपको थोड़ा डाउन जाना है, बल्कि आपको एक स्टेप आगे आना है और जो नेक्स्ट बड़ा कॉन्टेस्ट है 3 मेंबर वाला वो ज्वाइन करना है, और उतने ही कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं जितने आपने पहले दिन किए थे। अगर 5 किए तो 5 कॉन्टेस्ट ही अगले दिन, अगर 10 किए थे तो 10 कॉन्टेस्ट ही अगले दिन, अगर 1 किया था तो 1 कॉन्टेस्ट ही अगले दिन। सो नेक्स्ट जो बड़ा कॉन्टेस्ट है 125 के अलावा तो वो आता है 230 का। अब देखो यार, अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो, अगर आप एक्टिव सब्सक्राइबर हो, तो फिर चांस ही नहीं है कि आप दूसरे दिन भी लॉस में जाओगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैंने ये इमेजिन किया हुआ है कि आपकी किस्मत काफी खराब है, तो मैंने माना कि आप दूसरे दिन भी हार गए, ठीक है। पहले ये बात मान के चलते हैं कि दूसरे दिन भी हार गए, फिर ये देखेंगे अगर आप दूसरे दिन जीत जाते थे तो क्या होता। अगर आप दूसरे दिन हार गए तो आपको टोटल लॉस अभी तक कितना हुआ वो आप देखो, पहले दिन हारे थे 125, दूसरे दिन 230, तो टोटल हुआ है 355 का लॉस, ठीक है। अगर आप दूसरे दिन जस्ट इन केस जीत जाते हो तो आपको मिलता कितना है, 600 रुपए, 230 के डायरेक्ट आपको मिलता है 600, आपने अभी तक टोटल इन्वेस्ट कितना किया है 355, तो आपको झटके में प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ 245 रुपीज का। लेकिन जैसे कि माना कि आप दूसरे दिन भी अगर हार जाते हो तो आपको टोटल लॉस अभी तक 355 का है, लेकिन चिंता मत करो, तीसरा दिन भी आएगा और तीसरे दिन भी आपको जो है नॉर्मल थिंकिंग नहीं रखनी है, थोड़ी सी आगे बढ़ना है, आपको एक स्टेप आगे और बढ़ना है, ठीक है। जो नेक्स्ट बड़ा कॉन्टेस्ट है 3 मेंबर वाला वो ज्वाइन करना है, और जो नेक्स्ट बड़ा कॉन्टेस्ट है दोस्तों वो आता है 387 रुपीज का। अब देखो यार, आपकी किस्मत चाहे कितनी ही खराब, चाहे कितने ही राहु केतु शनि कितना ही हो, लेकिन अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो चांस ही नहीं है कि आप रेगुलर इतना हारोगे। लेकिन फिर भी मान लो, देखो 387 रुपए वाला आपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया और जैसे ही आपने वो कॉन्टेस्ट जीता आपको मिले डायरेक्ट 1000 रुपीज। अभी तक 3 दिन में आपका टोटल इन्वेस्ट कितना है, 125 प्लस 230 प्लस 387, जिनको अगर आप एड करो तो अराउंड 740 रुपीज के समथिंग होते हैं, और जैसे ही आपने वो कॉन्टेस्ट जीता आपको मिले 1000 रुपीज, यानी कि 250 प्लस का आपको प्रॉफिट हुआ एक सेकंड में, और जो पिछले 3 दिन से आप लॉस में जा रहे हो वो सारा एक झटके में कवर कर दिया। तो मतलब तीसरे दिन के एंड में आपका क्या है, आपको लॉस तो 1 रुपए का भी नहीं है, साथ ही साथ आपको प्रॉफिट अलग से है। लेकिन फिर से वही बात आ गई कि यार मान लो कि आप तीसरे दिन भी हार गए, ठीक है, मैं एक स्टेप आगे और लेके जा रहा हूं इसे, मान लो कि आप तीसरे दिन भी हार गए तो आपको चौथे दिन भी बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपको डायरेक्ट जो है नेक्स्ट बड़ा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना है जो कि आता है 777 का, जिसकी प्राइस होती है 2000 रुपीज, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आप जो कॉन्टेस्ट से शुरू करना चाहो उस कॉन्टेस्ट से शुरू कर सकते हो। मैं तो खुद ये छोटे मोटे कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं करता, ठीक है, मैं तो खुद अब 3000 वाले कॉन्टेस्ट ही मैक्सिमम टाइम ज्वाइन करता हूँ। बाकी ये तो मैं एक तरीके से आपके लिए बता रहा हूं कि आप जितना कंफर्टेबल हो उस हिसाब से इन्वेस्ट करना। आप चाहो तो जो है 17 रुपए वाले कॉन्टेस्ट से भी शुरू कर सकते हो, आप चाहो तो 700 रुपए वाले कॉन्टेस्ट से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है, आप जितना कंफर्टेबल हो उसमें। बस ये जो स्टेप है उन्हें याद रखना कि आपको जो है नेक्स्ट डे अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है, 3 मेंबर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है और उतने ही कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं जितने आपने पहले दिन किए थे। और दोस्तों मैं आपकी एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं, ठीक है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे एंट्री फीस बढ़ती है, जैसे जैसे कॉन्टेस्ट की प्राइस बढ़ती है, वैसे वैसे जो है अपोनेंट प्रो होते जाते
जाते हैं, वैसे वैसे जो अपोनेंट है वो हाई लेवल के आने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ आपका एक भ्रम है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जिस टीम से आप 17 रुपए वाला कॉन्टेस्ट जीत सकते हो उसी टीम से आप 3800 वाला कॉन्टेस्ट भी जीत सकते हो। अगर कुछ होता है तो वो इतना होता है कि यार जैसे जैसे कॉन्टेस्ट की प्राइस बढ़ती है ना, वैसे वैसे लोग जो है रिस्क लेने में घबराने लग जाते हैं, तो एक तरीके से जो हाई प्राइस वाले कॉन्टेस्ट है ना वो जीतना आसान रहता है। अब देखो यार, चौथा दिन अपना चल रहा है, उस दिन आपने इन्वेस्ट किया है, हमने माना हुआ है कि 777 रुपीज, ठीक है, इसकी प्राइस है 2000, आप ऑलरेडी जो है 3 दिन हार चुके हो, तो आपका अभी तक 4 दिन का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 125 प्लस 230 प्लस 387 प्लस 777 विच इज अराउंड 1500, ठीक है, 1500 रुपए के समथिंग ये इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इस दिन जीत जाते हो तो आपको टोटल कितना मिला, 2000 रुपीज, विच मीन्स आपके पिछले 4 दिन का जो लॉस है वो एक झटके में कवर हुआ, साथ ही साथ आपको 500 रुपए प्रॉफिट में भी हो। अब दोस्तों इस बात को मैं और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको इतना पता लग गया है। अब आप चाहे कितनी खराब टीम बनाते हो लेकिन आप रेगुलर 4 दिन लॉस में नहीं जा सकते, ठीक है, अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो तो फिर तो बात खत्म ही है, मैं आपको ऑलमोस्ट रोजाना जो है प्रॉफिट करवाता रहता हूं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, हर स्ट्रेटेजी को मैं एक बार खुद टेस्ट करता हूं, और ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन, महीनों टेस्ट करता हूं और उसके बाद आपको बताता हूं। और ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ना 3 मेंबर वाली, इसको मैं पिछले 6 महीने से टेस्ट कर रहा हूं, 6 महीने में मेरे को इतना सा भी लॉस नहीं है, बल्कि मैं लाखों प्रॉफिट में हूं। तो यार इस अपने प्लान को एक बार ट्राई करो, ठीक है, आपको जो भी सवाल हो वो एक बार कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा, और इसके जो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिले वो आप मेरे साथ शेयर जरूर करना। साथ ही साथ यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब भी ठोकते जाना। दोस्तों इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे फिर कभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।